गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल क्लास। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो नाउ आई विल डू द रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। ओवरव्यू। इन ओवरव्यू वी स्टडी व्हाई डू वी नीड an international organization, or is international organization a supreme body which take decision related to all the countries। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो मैंने इसके आपको जवाब दे दिए थे कि एक international organization एक जैसे इंडियन गवर्नमेंट इंडिया से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती है, बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज़ की सहमति से ही कोई डिसीजन ले सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर या किसी अदर कंट्री के ऊपर अपना डिसीजन थोप सकता हो। ये सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखना कि इस चैप्टर में क्या क्या रोल प्ले करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पीरियड में। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मैंने बताया था कि टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स विच कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग इन ऑल द कंट्रीज। सो इस क्रिटिकल सिचुएशन में सभी कंट्रीज मिलकर कोई उसकी ड्रग्स निकालते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा था उसका, ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ल्ड की समस्या, तो उससे निकलने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगहों पर काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ था आपके सामने, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मैंने बता दिया ये रहा सब सांप के सामने ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएँ हैं, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, इन सबसे निपटने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। ये तो आप क्या पिछले चैप्टर का थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाया ताकि जो लास्ट क्लास में था वो आपको ध्यान में आ जाए। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक IMF। इसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा, बट अभी के लिए आप ये देख लो, लेक्चर सुन लो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेक डिसीजन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल, मतलब जो पैसे से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF लोन प्रोवाइड करवाता, कुल मिला के जैसे RBI HDFC बैंक को SBI को देता है पैसे, उसी तरह से RBI या IMF से या इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि उनको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना कि वो अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर काम ना करें, ये इसका पहला काम है। IMF के 184 मेंबर्स हैं, वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको आपको कम तो नहीं ज़्यादा ही होते रहते हैं, उसको आपको अभी मतलब डाटा को इस तरह से याद नहीं करना, बाद में आपको ये बता दिया जाएगा कि उस टाइम पे कितने हैं या किसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं। उसके बाद आपको इसमें थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है, टॉप 10 कंट्रीज फ्रॉम दीज 184 मेंबर्स हैव 55% ऑफ वोटिंग राइट्स। मतलब जो वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनके पास 100% जो टोटल वोटिंग राइट हैं उसके 55% राइट हैं। ये आपको बाद में जब व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ और इन द स्ट्रक्चर ऑफ IMF, इसमें आपको बताना पड़ेगा। अभी आपको इसके बेसिक फंक्शंस पढ़ने हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये इक्वलिटी नहीं है भाई, 184 मेंबर्स हैं तो इक्वल वोटिंग राइट मिले तो एक कंट्री को एक भी नहीं मिलता, बट यहाँ पर 55% 10 कंट्रीज़ के पास हैं, क्योंकि जो डेवलप हो चुके हैं जो देश, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं आगे चलकर तो कुछ ना कुछ अपने पास ज़्यादा राइट रखते हैं। उसके बाद ये जो उसमें से टॉप 10 कंट्रीज जो हैं उसमें से 8 कंट्री जो हैं जो G8 के मेंबर्स हैं,
G8 एक मतलब समूह है जो जिसमें 8 देश शामिल है, जैसे G20 है उस तरह से। G8 में जो जो देश मैं उनके नाम बोल देता हूँ, USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा एंड रशिया। उसके अलावा जो जो 2 देश थे उनका नाम है सऊदी अरब और चाइना, ठीक है, इन 10 देशों के पास। उसके बाद 17.4% ऑफ वोटिंग राइट्स इज इन द हैंड्स ऑफ USA, मतलब अकेले USA के पास 17.4% वोटिंग राइट है, कितने ज़्यादा हो जाते हैं। अब इस पैराग्राफ में आ जाओ आप, ये हो गया IMF से रिलेटेड। इस पैराग्राफ में हमें क्या पढ़ना है, अनफॉर्चुनेटली रिकग्नाइजिंग द नीड फॉर कॉरपोरेशन एंड एक्चुअली कॉरपोरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस बात का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की हेल्प करने की बात करते हैं या एक्चुअल में हेल्प करते हैं, तो कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, दे ट्राई टू शो दैट दे कैन हेल्प द कंट्रीज़ बट इन रियली दे डिडंट डू दिस। मतलब कॉरपोरेशन एक्चुअल में हो रहा है या केवल कॉरपोरेशन की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, हाउ ए कंट्री कैन कोऑपरेट अनदर कंट्री, मतलब उसके क्या क्या रूल होंगे यदि उसको उसकी सहायता करनी है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक काम हो गया। अब उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मैकेनिज्म रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी टू सेटल दिस कोऑपरेशन अमंग दी कंट्रीज, मतलब एक देश और दूसरा देश आपस में कोऑपरेट करते हैं तो उस किस बेस पे करेंगे, किन किन नियमों के अकॉर्डिंग करेंगे, और ब्यूरोक्रेसी उससे रिलेटेड क्या क्या उनको डिसीज़न देगी, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, ये है उसके मैं नोट्स भेजूँगा आपके पास, उसमें इतना ही था, बाद में आप देख भी लेना। एक ये आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके कोई नोट्स नहीं बनाने इस हेडिंग के, इसका आपको क्या करना है, इसी में से इसको पढ़ते रहना है बार बार, यहाँ से MCQ में, फिल इन द ब्लैंक्स में या कंप्लीट द सेंटेंस में क्वेश्चन आते हैं। अब आप इधर आ जाओ इसमें, विद द एंड ऑफ कोल्ड वार, आपने इससे पहले का सब कुछ पढ़ रखा है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार द रोल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और द रोल ऑफ UN प्लस इट्स अलाइज USA प्लस इट्स अलाइज कंट्रीज बिकेम सुपीरियर, मतलब पहले जो दो ताकतें आमने सामने थी USSR और USA, अब केवल USA रह गया और उसके जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी उसके मित्र देश माने जाते हैं, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बहुत सारे देश क्या थे, उसके विक्टोरियस कंट्री थे। तो क्या रोल प्ले करेगा UN, ये ऐसा सभी देशों के मन में विचार था कि अब क्या ये केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ को फेवर करेगा, पहली बात, ठीक है। तो आप अब इधर आ जाओ, इवोल्यूशन ऑफ द UN, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हाउ डिड UN केम इनटू एग्जिस्टेंस, UN केम इनटू एग्जिस्टेंस टू डील विद कन्फ्लिक्ट्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो UN, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक काउंसिल बनाने की कोशिश की गई थी, बट उस काउंसिल के फेल होने की वजह से, अच्छे से काम नहीं कर पाने की वजह से, ताकि वो युद्ध ना हो, इंटरनेशनल वॉर ना हो, शांति रह सके पूरी दुनिया में, उसके होने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 और 45 के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ आपके सामने, ये इसमें देख लेना। उसके बाद क्या हुआ है,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का एग्जिस्टेंस हुआ है, उस इसमें लिखा हुआ है यूएन बना 1945 में, पहला पॉइंट। इसके नोट्स आपको अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यूएन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। अब आप देखो, एक ये दे रखा है यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ये भी आपको बार बार पढ़ना है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे। इसमें से भी इसमें एक है सब्सिड्यूरी बॉडीज, ये क्वेश्चन पिछली बार ही आया था। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इसके कुछ नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं कुछ, फिर ये जो छोटे छोटे बॉक्स है इसको और छोटा क्या करेंगे, तो आप इसी में से पढ़ लेना। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इसके सुनो जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य है, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लड़ाई ना हो, इसको कम करना एक उद्देश्य है। सेकंड थिंग, टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, मतलब सभी देशों के बीच आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। थर्ड थिंग, टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द कंट्रीज, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास पूरी दुनिया में पहुंचाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी होती है वहाँ, अपने आप ही अशांति फैलती रहती है। ठीक है, ये तीन इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, इस पैराग्राफ में यही दे रखा है। उसके बाद आप आओ, 2006 में यूएन के 192 मेंबर थे, ठीक है। उसके बाद एक इसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी को इक्वल वोट दिए गए हैं, सभी कंट्रीज को। एक पॉइंट ये है, मतलब जितने भी 192 मेंबर हैं उनका सभी का एक वोट, आम सभा इतने कोई बड़े काम नहीं कर सकती इसकी, ये इसलिए सभी को इक्वल वोट दिए गए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब एक है इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फाइव परमानेंट मेंबर्स आर देयर, द नेम ऑफ दीज फाइव परमानेंट मेंबर्स आर यूएसए, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। एंड दीज फाइव परमानेंट मेंबर्स हैव ए वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स आप जानते हो, मतलब किसी भी प्रस्पेक्टिव में एक भी कंट्री बाकी चार कंट्री मान भी रहे हो, एक नहीं मानता है तो इशू वहीं पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद है इस पैराग्राफ में इधर, व्हाट आर द मेजर बॉडीज विच ट्राई टू कोऑपरेट यूएन एट इंटरनेशनल स्टेज। इसमें है इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, सेकेंड थिंग UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज होते हैं शरणार्थी जो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, यूनिसेफ, UNICEF यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म आपको सभी की याद करनी है। ये है आज का हमारा लेक्चर, लेक्चर का एक मेन प्रस्पेक्टिव आपको देखना है, तो मेन मतलब हमने क्या किया, EMF क्या करता है, कितने कंट्री हैं उसमें, किसको कितने वोट हैं, G8 मेंबर कौन से हैं, 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं जिनको 55% वोट हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स किसके पास हैं, USA 17.4। उसके बाद वाई डू वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टू स्प्रेड कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज एंड टू स्प्रेड दिस कोऑपरेशन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मैकेनिज्म रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी टू ऑल द कंट्रीज। उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द रोल ऑफ यूएन, इवोल्यूशन ऑफ यूएन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो एक काउंसिल बनी उसके फेल्योर के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1945 में यूएन आया। यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव्स आपस में, टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट अमंग नेशंस, टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन,
टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद 2006 में उसके 198 मेंबर्स थे। उसके बाद यूएन की जनरल असेंबली में सभी को इक्वल वोट है, जितने भी मेंबर हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। उस 5 परमानेंट मेंबर के नाम क्या हैं? यूएन के साथ मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी फुल फॉर्म क्या क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, नोट्स अभी मैं सेंड करता हूँ। लेक्चर इस पे यूट्यूब पे देख लेना, लिंक भेज दूँगा। ओके।